You words up, guys. This is your boy Ahsan here, back with another vlog. Hope you all guys are doing good. I'm doing good, good. Okay, bear with me. Okay guys, आज की वीडियो है हेयर कट के बारे में और हेयर सलून के बारे में एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में स्नैपचैट पे फॉलो कर रहे हैं जो कि मैं लिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं दे दूंगा, तो आपने देखा होगा यार ये बंदा जंगली ना, बाल कटवाता दाढ़ी कटवाता, क्या इसको हो गया, ये किस दुख में किस रोग में चला गया। बट देयर इज अ रीजन, आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हेयर कट बड़े ही ध्यान से करवाना पड़ता है। अगर एकदम से आप हेयर कट करवाओ ना तो आपको मुर्गी बना देते हैं, तो आपको हफ्ता पहले हेयर कट करना पड़ता है ताकि हफ्ते तक बाल सेट सेट हो जाए, अनलेस यू आर गोइंग टू टोनियन गाय। आज भी हम जिसके पास जा रहे हैं कम नहीं हो, मैं छोटा सा इतू सा था, मैं इतू सा। तब मैंने एक दफा टीवी पे देखा अवार्ड्स आ रहे थे, पता नहीं लक्स लाइफ बॉय पता नहीं इंपीरियल के अवार्ड से, एंड दे अनाउंस्ड इट राइट एट द मोमेंट जब मैं चैनल बदल रहा था, एकदम से चैनल लगा के बेस्ट 40 अवार्ड गोज टू खवर रियाज, एंड आई वाज लाइक मैन दिस मैन गॉट समथिंग। तो जनाब आज हम जा रहे हैं खवर रियाज के सलोन पे, नॉट खवर रियाज, क्योंकि इतने पैसे नहीं मेरे पास, मैं खवर रियाज से कटिंग कराऊं पता नहीं कुछ 4-5 लाख मांग लेगा मेरे से बाल कटवाने का, लगावा लाख 5 करोड़ देगा। खवर रियाज के सलोन पे जा रहे हैं लाहौर एम आलम रोड पे। ओके गाइस, सो आई मेड इट हियर एट द खवर रियाज सलोन एंड नाउ लेट्स गोइंग फॉर द कट, लेट्स सी कि कैसा करता है। कट शुरू करते हैं, तो बॉल वॉश करवा लिए हैं, अब सैम भाई हैं ये बाल मेरे कर रहे हैं हेयर कट, सारे शॉर्ट कर रहे हैं ऊपर से फ्लैट कर रहे हैं और यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपर स्टाइलिश बॉल में टॉप टॉप हेयर कट जो है इसकी सूट है जिस लुक के लिए जा रहा था, कुछ फोटो वगैरह पड़ी किससे मिलता है सर। मैं पहले इसमें पहले टोनियन गई थी उनके भाई उनको भी मैंने यही कहा था कि आप में रहना है नहीं करना, खुद तो बंदा कर लेता हूँ, एक बंदे साइड होता दिमाग में दूसरा कोई गलत वो चेंज होता है। तकरीबन आधा कट हो चुका है और अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कैसा लग रहा है, लेकिन कंप्लीट होगा तो पता लगेगा और हाफ में तो बहुत अच्छा लगता है मिशिंग कट के। लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ ऐसे ही लग रही है क्योंकि नहीं जा सकते वैसे जाना है। एक स्ट्रेट काट इसमें अगर हम पैच ये स्ट्रेट काटते हैं तो उसकी ग्रिप नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट काटेगा, इस तरह जो हम अंदर अंदर से काट रहे हैं जिगजैग कर रहे हैं उससे बाल हमारे आपस में ग्रिप कर रहे हैं। ओके गाइस, सो हेयर कट इज़ डन एंड आई एम लुकिंग प्रेटी गुड, सो लेट मी शो यू इन द मिरर।
Been a little too nice to y'all. Now I got an up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ballin' A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the flippin' on record, off record. I still count wins when they got it on record. ओके गाइस, तो कटिंग हमने करवा ली है और अब मैं लग रहा हूँ काफ़ी चीसा, और पहले मैं लग रहा था जंगली या केवमैन, जो मर्जी कह लो, ठीक है। तो काम बड़ा अलग है इन्होंने, इनके काम के पूरे 25 थे, ठीक है, लेकिन इनकी चस ज़रा कम थी। हम घर जाके बात करते हैं क्या था डिफरेंस। तो वैसे बहुत अच्छा हो गया, है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो इन्होंने मेरा खुलवा दिया, पानी दे के और खजूर इन्होंने ऑफर की थी, मैंने नहीं खाई माउथ सॉल्स की वजह से। तो अब हम चलते हैं खाना खाने, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या खाऊँ, बिकॉज सबसे मुश्किल सवाल यही कि क्या खाऊँ। तो चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लें फिर घर चल के बात करते हैं। ओके गाइस, आया है मेरे घर एट मारीबेल, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट्स नेम, बट सीम्स प्रीटी कूल। सो आई एम गोना हैव माय कार हियर, आई हैव नॉट ब्रोकन माय फास्ट येट एंड इट्स ऑलरेडी लाइक 50 मिनट्स। थोड़ा वेट करना पड़ा है, बफर चल रहा है, मैं लेट हो गया था, कह रहे हैं 15 मिनट पर टेबल मिल जाएगा, देखते हैं। Maribel, I'm still not sure about its name, how to pronounce it, but the buffet was still going on and they were asking me to wait for like 30 minutes while I've already waited for like 20 minutes. So I decided to come here at pantry because they have space now. So check karte hain iftari mein pizza khana padega mujhe. Abhi tak maine iftari nahi ki like 1 hour and 10 minutes above. So मुझे लग रहा था कि यार मैं ब्लॉग में कुछ बोरिंग दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस पिज्जा हैज एक्साइटेड मी। लेट मी शो यू गाइस। ओके गाइस, सो मैंने खाना खाने के बाद, पिज्ज़ा खाने के बाद, मैंने कहा यार डिज़र्ट खाना है, और डिज़र्ट के लिए मुझे वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन डिज़र्ट याद था और एक जगह याद थी जहाँ से डिज़र्ट खाने के लिए पहुँच चुका हूँ मैं, द किचन। तो चलो चलते हैं, लाके खाते हैं इनकी स्किलेट कुकी। ओके गाइस, सो मैंने स्किलेट ब्राउनी ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और उन्होंने 20 मिनट्स का टाइम लिया है, और ये बहुत ही बड़ी है, मुझे नहीं लगता मेरे से खाई जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी ले ली क्योंकि मैंने बड़ा देर से दिल कर रहा था खाने का, अच्छा खा ही लूँ। वेटिंग फॉर इट। ओके गाइस, सो द डेजर्ट जस्ट अराइव्ड, ओह माय गॉड, लेट मी शो यू गाइस। ओके गाइस, सो डन विद द डेजर्ट एंड नाउ लेटिंग फॉर द होम। डेजर्ट काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन बहुत ज़्यादा था, मैं अकेला नहीं खा सकता था डेफिनेटली। तो किचन वाज़ थम्स अप। अयो मैं वापस आ गया जी, अयो मैं गया कैसे, तुम आया कैसा है। So guys, Khawar Riaz done a great job, like really great job. But the thing is, Tony and Gaye के ना शिशके बहुत थे, मतलब कि ना उन्होंने बाल बहुत फिट काटे, उनका स्टाइलिस्ट बहुत अच्छा था, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, they know what they're dealing with. हालांकि मैं गया था बेस लेवल लेने के लिए जो कि 1200 का था, लेकिन उन्होंने मुझे सीनियर स्टाइलिस्ट दिया जो कि 2000 का था। उनके डिफरेंट रेंजेज होती हैं, 1200 से लेकर 12,000 तक है। एक चीज़ मुझे पता नहीं चली कि उनका हेड ऑफिस कलमा चौक था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं जाता, लेकिन फिर मैं मालूम चला गया, कोई नहीं, सेम थिंग। लेकिन सिर्फ दूर से, करीब से नहीं। और एक महंगी कटिंग और सस्ती कटिंग में फर्क तो होता है यार, हालांकि मैं भी 300-400 वाली कटिंग ही करवाता हूँ यूजुअली, मैं कोई नवाब ऑफ कलाबाय नहीं हूँ, मैं भी सस्ती कटिंग ही करवाता हूँ कभी कभी, यू नो, आप लोगों को एक्सपीरियंस देने के लिए खुद भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। भूख बहुत लग रही थी तो मैं गया हूँ अफ्तारी करने द पैंट्री। उनका पिज्ज़ा बहुत अच्छा था, बड़ा यूनिक टेस्ट था, लेकिन एलापिनो था इसलिए शायद थोड़ा खट्टा था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मज़े का था। और लेकिन जितने का वो पिज्ज़ा और वो ड्रिंक मैंने ली वहाँ से, उतने का ही सेम मैंने डेजर्ट खाया था, हेलमैन सेम एग्जैक्ट सेम फिगर बिल था। डेजर्ट बहुत मज़े का था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी भी थी, मतलब 3 लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन मैं खा अकेला, क्या करता। लोटस स्केलेट कुकी विद आइसक्रीम, yummy as jinne bore mein tha, one person recognized me, felt really good, and today zinwa mein tha ek bande ne pehchan liya, yaar aap vlogger ho, I like acha meri pichli tony and guy wali video pe log comment aa rahe hain ki bhai apne address to bataya nahi, bhai main cutter la ke ghar bhej dun, cutting karke jayega,
ऐसा ना बस गुलू गुलू पे जाकर लिखना पड़ता है, टोनियन गाय खुद आता है वो, इधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो। मजे की बात, कैमरे का लॉग अभी भी अपलोड किया। ऐसे मैंने पहले में सोचा था कि मेरी पहली वीडियो कैमरे का लॉग आना चाहिए, देन आई रियलाइज कि अभी तो मुझे इतना अच्छी तरह ग्रिप नहीं है इस पे, इस लॉग पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैंने सोचा यार पहले इतनी ग्रिप अच्छी करते हैं, देन आई विल शो यू व्हाट दैट्स। सो गाइस, मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वर्थ इट सीरीज। आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि मैं आप लोग कौन कौन सी जगह के देखना चाहते हो सीरीज में। मैं जगह पे जाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा इफ इट्स वर्थ इट, इफ इट्स वर्थ द हाइप, इफ इट्स वर्थ द मनी। कसम से यार, गर्मियों में पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ओनली फेलो यूट्यूबर्स कैन रिलेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने करना है सब्सक्राइब, दबाना थम्स अप बटन और कमेंट देना है। ओके, नो नो प्लीज, यू नो द लास्ट वन। So jokes apart, hope you guys enjoyed the vlog, and if you enjoyed, make sure to give this video a big thumbs up. So guys, stay motivated, stay hopeful, live life. See you guys next time. कसम वाली गल है, गर्मी च वीडियो बनानी बड़ी औखी है।